आजाद भारत ने जब पहला गोल्ड मेडल जीता होगा ओलंपिक्स में तो कैसा फील हुआ होगा? अगर आप भी उस चीज को फील करना चाहते हैं तो अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म गोल्ड का टीजर देखिए, हो गया है रिलीज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर। अक्षय कुमार साहब की अपकमिंग फिल्म गोल्ड का टीजर रिलीज हो गया है। हालांकि उनकी फिल्म पैडमैन अभी रिलीज होनी बाकी है, पर उनका दूसरा धमाका पहले ही हो गया है। लेकिन आखिर क्या आता है इस टीजर को देखने के बाद, लोगों का रिएक्शन जान लेते हैं। गोल्ड का टीजर आया है, अक्षय कुमार ने एक बार वापस से 15 अगस्त को अपने लिए बुक कर लिया है। और क्योंकि देखते हम पहले से भी देखते आ रहे हैं कि इन्होंने एक महारत हासिल कर ली है इस तरीके की फिल्में बनाने में। थोड़ा सा आपने अगर पेट्रियाटिक कलर ऐड कर दिया और इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के दिन फिल्म आपने रिलीज़ किया तो उससे फ़ायदा होता है, पब्लिसिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है, छुट्टी का दिन भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और टीज़र देख करके लग रहा है कि एक पूरा मसाला फिल्म है और थोड़ा पेट्रियाटिज्म से भरी हुई है। बात करें अगर फिल्म की तो ये बैकग्राउंड है 1948 ओलंपिक गेम्स का, जब लंदन में हुआ था जो, और ये बात कर रहे हैं पहले गोल्ड मेडल की जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जीता था वो हॉकी टीम, उसकी शायद स्टोरी को लेकर के इन लोगों ने अपना पूरा ताना बाना बुना है। और जब और ट्रेलर आएंगे शायद तो ज़्यादा पता चल पाएगा कि कैसा है पूरा का पूरा इम्पैक्ट क्या होगा। ओवरऑल अक्षय कुमार ने एक बार वापस से प्रूव कर दिया कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं इस ट्रेलर के ज़रिए या टीज़र के ज़रिए। अक्षय कुमार की जो गोल आ रही है, मैंने उसका टीज़र देखा है, आई रियली लाइक डेट, अमेजिंग है टीज़र। दो एक एरा पे बेस्ड है तो मैं ये कहूँगी कि वो देख के ही पता चलेगा फिल्म कि कैसे उसने जस्टिफाई किया है उस टाइम पीरियड को। और जिस तरह से ओवरऑल अगर फिल्म जब तक नहीं देखने को मिलेगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दो टीज़र वॉज अमेजिंग, तो आई वुड से कि ऑल द बेस्ट। अक्षय कुमार ने पिछले कुछ दिनों से जो है फिल्में अपनी जो है ऐसी चूज़ की हैं जो 100-200 करोड़ आराम से जाए, ये भी जाएगी। इस फिल्म को देखकर, इसका जो टीज़र है उसको देखकर कई छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें देखी। सबसे पहले तो जो स्टेडियम यूज़ किया गया है वो स्टेडियम ऐसे उस टाइम पे नहीं होते थे, मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो नेट यूज़ किया गया है हॉकी के जो था वो वैसा उस टाइम पे यूज़ नहीं होता था। तीसरा, झंडा जो है वो कई जगह पे, तो इंडिया का जो झंडा आपका वो है, कई जगह पे चरखा है, तो ये कन्फ्यूज़न है। इस फिल्म का कंपैरिजन चक दे इंडिया से होगा और चक दे इंडिया जो है वो बहुत बड़ी, इसके मुकाबले मुझे बड़ी फिल्म लग रही थी। अब देखेंगे कि कौन सी फिल्म बड़ी होगी। ये रियल लाइफ पे या उस पर कोई बेस नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को लग रहा है कि ध्यानचंद की लाइफ पे होगी, जिस तरीके से टीज़र में दिखाया गया है जर्मनी और वो इंसिडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्योर फिक्शन फिल्म है, इसमें कोई भी रियल स्टोरी नहीं है। इंडिया को मेडल दिलाने वाली बात जो है पहला, वो थोड़ा सा लग रहा है। और बैकग्राउंड जो है 33 से 42 और उसके बाद फिर 46 के ओलंपिक की बात इसमें की जा रही है, तो कुल मिलाकर अक्षय कुमार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये चक दे इंडिया वर्सेस, अगर इसको देखें। और दूसरा ये भी है कि अक्षय कुमार ने एक वक्त पे कॉमेडी थीम पकड़ी थी। बहुत लंबे टाइम तक उनकी सारी मूवीज़ कॉमेडी आती रही, फिर उसके बाद चांदनी चौक टू चाइना आई जो बहुत बड़ी फ्लॉप थी, उसके बाद टशन आई और डाउनफॉल आया, उसके बाद इन्होंने सब चेंज करके इस पे आए। मुझे ये लग रहा है कहीं ये इनका पीक से नीचे आने का टाइम शुरू ना हो जाए इस फिल्म के बाद। अगर ये फिल्म कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गई तो हो सकता है कि एक बार फिर से हम अक्षय कुमार के डाउनफॉल को देखें। उम्मीद कम करते हैं, फिलहाल उनका सिक्का जो है बहुत चल रहा है, तो ये मूवी भी अच्छी हो उम्मीद कर सकते हैं बस। गोल्ड का टीज़र तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टोरी लग रही है। अक्षय कुमार एक नए उसमें दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी रही मुझे। एक तो मुझे मौनी रॉय कहीं नहीं दिखाई दी, जिनकी इतनी ज़्यादा हाइप बनाई गई थी, उनका डेब्यू है, मतलब लिटरली आधा सेकेंड के लिए वो दिखी मुझे, मतलब बार बार जो है रिवाइंड करके देखना पड़ा कि मौनी कहाँ पर है, तो एक छोटे से सीन में दिखाई दी। बाकी ओवरऑल टीज़र अच्छा लग रहा है, मतलब टीज़र कम ट्रेलर ही है, 1 मिनट का टीज़र है, तो जिसमें ओवरऑल कहानी समझ में आ रही है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। और मुझे लग रहा है कि पैडमैन के बाद जो है गोल्ड भी अच्छा ही करेगी। आई जस्ट सीन द टीज़र फॉर गोल्ड और मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक्चुअली ये जो मूवीज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की होती हैं उनमें द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ द वे दे शो टाइम, उस टाइम के कॉस्ट्यूम्स, उस टाइम के कपड़े, उस टाइम का रहन सहन, and plus it also deals with sports, which is you know something which is of great interest to all Indians and me included. So I am really looking forward to the film. 15th August is the day.
टीज़र काफ़ी इम्प्रेसिव था. अक्षय कुमार एज़ यूजुअल जिस तरीके के वो टॉपिक्स उठाते हैं आर ऑलवेज थॉट प्रोवोकिंग और इंट्रीगिंग. तो ये भी है. कुछ लोग कह रहे हैं कि लूजली शायद ध्यानचंद की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हालांकि लोगों ने मना कर दिया, खासकर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है. तो इसके अलावा अगर हम बात करें इस टोटल टीज़र की, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, और कॉस्ट्यूम्स सेट डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग हैज़ बीन इम्प्रेसिव. और जिस तरीके से अक्षय कुमार ने पहले अभी उनकी केसरी आ रही है, पैडमैन आ रही है, उसके अब और ये केस जो टीज़र आ गया गोल्ड का, इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा है, थॉट प्रोवोकिंग है. और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से चक दे इंडिया देखने के बाद इंडिया में फीमेल हॉकी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस मूवी को देखने के बाद एटलीस्ट हॉकी खेलने के लिए लोग और ज़्यादा आगे आएंगे. क्योंकि हमारे इंडिया में मतलब क्रिकेट तो चल ही रहा है, बैडमिंटन भी है, टेनिस भी है, लेकिन हॉकी जो है वो थोड़ा सा कहीं पीछे छूट गया. तो आई थिंक इससे हॉकी को थोड़ा और बढ़ावा ज़रूर मिलेगा. अच्छा टीज़र देखा. अक्षय कुमार आजकल इसी तरीके के टॉपिक्स पर फोकस कर रहे हैं और उन अच्छी खासी वाहवाही भी लूट रहे हैं, और वो टीज़र तो फिलहाल अच्छा लगा. देखें ये कैसी मूवी होगी, लेकिन मैं इसको ज़रूर देखूंगी क्योंकि थोड़ी सी ना देश भावना वाली मूवी और 15 अगस्त के मौके पर आएगी. अक्षय कुमार ऐसी मूवी बना रहे हैं और अच्छी खासी उपलब्धि भी हासिल कर रहे हैं, देखते हैं कैसी मूवी होगी. गोल्ड का अच्छा टीजर लगा ओवरऑल, और 15 अगस्त को अब इंतजार होगा जब पर्दे पर आएगी फिल्म, और मौनी राय भी पहली बार आ रही है पहले पर्दे पर, तो देखते हैं. और चूंकि हॉकी का बैकग्राउंड है तो खेल को लेकर भारत में अभी तक जितनी भी फिल्में बनी है सबने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद करते हैं अक्षय की ये फिल्म भी काफ़ी अच्छा करेगी पर्दे पर. अभी जो अक्षय कुमार का जो ये ट्रेलर आया है मैंने उसको देखा है, देखने में मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे को लग रहा है फिल्म भी अच्छी जाएगी. जो अक्षय कुमार करता है एक नया थीम लेके आता है, नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, और उसकी जो फिल्म होती है लो बजट में होती है, तो मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी मूवी. तो देखा आपने, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है अक्षय कुमार के इस नए अवतार को, गोल्ड के टीज़र को. हालांकि मौनी राय कम देर के लिए दिखी हैं, बट ठीक है, थोड़ा सा दिखी हैं, उनका यहाँ पर डेब्यू ज़रूर हो गया है बॉलीवुड में. लेकिन फिलहाल आप भी इस टीज़र को देखिए और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड का टीज़र. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को.